शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि इस मीज़ान में हद से तजावुज न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल व करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ गरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फटकर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा? तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बाग हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं,
तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गोया वो याकूत और मरजान हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ नबी, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिबे जलालो करम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है।